बर्थडे पार्टी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उसने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। नोबिता, मैं खुश नहीं हूँ। मैं इस बार नहीं जाना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों? बर्थडे पार्टी में तोहफा ले जाना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेकर जाऊँ। मैं अब क्या करूँगा डोरेमोन? तुम चाहे कुछ भी दो, लेकिन बस खुशी से दो नोबिता। बताओ अपने कलेक्शन में उसे कहाँ रखूँ? यहाँ रखता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या दूँ। तुम्हारा बर्थडे होता तो तुम क्या मांगते? मुझे एक नई गेम चाहिए डोरेमोन। मैं सारी की सारी नई गेम्स खेल चुका हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? एक घड़ी कैसी रहेगी? ये देखो मेरी कमाल की घड़ी। तो कॉमिक बुक कैसी रहेंगी? यहाँ पर दुनिया की सारी कॉमिक बुक्स मौजूद है नोबिता। गुड़िया का सेट? क्या कहा तुमने नोबिता, गुड़िया का सेट? क्या सुनियो को वो चाहिए? भला मुझे गुड़िया का सेट क्यों चाहिए? हमारे लिए शिज़ुका का फोन आया है। क्या अभी तक तुमने भी कुछ नहीं सोचा? हाँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसे किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा। काश हम ये पता लगा पाते शिज़ुका। हे, देख के नहीं चल सकते? अरे ये तो सिर्फ एक खम्बा है। नोबिता, तो तुमने मुझे देख लिया? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जियान, तुमने क्या तोहफा चुना है? क्या तोहफा? मैंने तो कुछ नहीं चुना अभी तक। तुम दोनों ने कुछ चुना क्या? अरे नहीं। वाह, तुम तीनों तो साथ में ही हो। हाँ डोरेमोन, प्लीज हमारी मदद करो ना। हम किसी भी तरह सोच नहीं पा रहे कि सुनियो को क्या गिफ्ट दें। इसकी वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है। डोरेमोन, हमारी मदद करो ना प्लीज। डोरेमोन, ठीक है, सुनियो से ही पूछ लेते हैं। सवालों वाली मशीन और बाल खींचने वाली। जियान, जल्दी करो। कितनी प्यारी मछली थी वो। सिर्फ एक बाल से ही हमें पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उससे हम किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। चलो अब सवाल पूछते हैं। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मुझे तोहफे में एक अपनी यॉट चाहिए, बहुत बड़ी वाली, और एक क्रू चाहिए जो मेरी सारी बातें माना करे, जिससे मैं जो कहूँ मेरा काम हो जाए। ये क्रू क्या होता है डोरेमोन? ऐसे लोग जो इसका हर काम करे। सुनो नोबिता, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम करो। कर रहा हूँ कैप्टन। सुनो जियान, वक्त बर्बाद मत करो। जी अच्छा, मैं करता हूँ। सुनियो बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? तो इसके अंदर से कैसे पिटाई कर सकते? और भी ऐसा है जो तुम्हें अपने बर्थडे पर चाहिए? कोई और चीज? ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि सब चीजें मेरे पेरेंट्स दिला देते हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो हम सुनियो को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? शायद हम दिल से कुछ चीज देंगे तो उसे जरूर अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। मम्मा आप जाइए यहाँ से, मैं अपने दोस्तों को सब कुछ खुद बता सकता हूँ। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। देखो ये सारी डिशेज बहुत ही स्पेशल है, तो मजा लो। यहाँ पर जितनी भी डिशेज हैं बहुत ही खास हैं दोस्तों। जैसे कि ये जूस ही ले लो, इसे हमने फ्रांस से मंगाया है। सुनियो, क्या मैं केक ले आऊँ? बेटा मैं अपने काम कर लूँगा। करते हैं। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, तुम सब यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना चाहो उतना खा सकते हो। मैं तो जमकर खाऊंगा। आप हाँ हाँ दोस्तों, खूब खाओ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनवाया है मैंने, पेट भर के खाना। अरे हाँ याद आया, हमने तो सुनियो को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। हे नोबिता, पहले तुम अपना गिफ्ट दो। पहले मैं? ये मेरी तरफ से है सुनियो, खास तुम्हारे लिए। शुक्रिया। इसके अंदर क्या है? ये क्या चीज है? ये एक पिगी बैंक है। मैं चाहता हूँ तुम इसमें पैसे जमा करके अपने लिए खूबसूरत सी बोट खरीदो। पर मेरे पास पहले ही एक बोट है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मा जरा अभी आता हूँ।
सुने किसी ने मेरे लिए ये मनी बॉक्स बनाया है, जरा इसको देखो कितना कमाल का है। 700 रुपीज। ये अच्छी टेक्निक है। तुम्हारा मतलब टेक्नोलॉजी? क्यों दोस्तों, है ना कमाल की चीज। अच्छा अब अगला गिफ्ट मुझे कौन देने वाला है? सुनो ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कुक्स है ना। क्या तुम कुकीज कहना चाहते हो? उनकी खुशबू तो लाजवाब है। क्या बात है, चलो तुम्हें पसंद तो आया। दरअसल आमतौर पर मैं जो कुकीज खाता हूँ वो बहुत महंगी आती हैं, और इस तरह की सस्ती कुकीज मुझे बहुत कम मिलती हैं खाने के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी वाली कुकीज खिला सकता हूँ। चलो अब अगला गिफ्ट खोलते हैं। ये रहा, ये है मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट, ठीक है? ये लो। ये कैसी टिकट है और इसका मैं करूँगा क्या? देखो, जब भी मुझे तुम पर गुस्सा आया और मैं तुम्हें पीटने वाला होऊंगा, तुम मुझे ये टिकट दिखा सकते हो। इसको देखते ही मैं मुस्कुराने लगूंगा दोस्त। तो फिर क्या तुम मुझे ध्यान, तुम बहुत मोटे हो समझे? क्या कहा तुमने अभी? अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। चलो और कोशिश करते हैं। शिकायत करने की बजाय तुम्हें पार्टी को एंजॉय करना चाहिए दोस्तों, सुनियो को अपने आप एहसास हो जाएगा। तो हमें भी तो बुरा लगा है। मुझे लगता है वो अकेलापन महसूस करता है। हाँ मुझे भी यही लगता है। वो तो अकेले ही अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा होगा। सोनिया तो बहुत उदास लग रहा है। शायद उन सबको अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए। देखा तुमने, ये अभी भी हमारा ही मजाक उड़ा रहा है। मैं अब कभी सुनियो की पार्टी में नहीं जाऊँगा। मुझे उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वापस चले। लेकिन तुम जानती हो ना, हम वहाँ गए वो फिर हमारा मजाक उड़ाएगा। जियान ने सही कहा। फिर भी हम सब उसके दोस्त हैं ना। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत भूखा हूँ अभी भी। तुम वापस आ गए। हैप्पी बर्थडे। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे अपना एक सपना सच करना है। दरअसल जब तुम सब यहाँ से चले गए थे तो तुम सब के बिना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में। अब सुनियो को बुरा लग रहा है। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। मेरा सपना ये है कि एक दिन मैं भी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे? ये सपना इसलिए क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो, तो मैंने सोचा कि यही सपना सही रहेगा। डोरेमोन, इसका सपना पूरा कर दो। डोरेमोन प्लीज, मेरा सपना पूरा कर दो। प्लीज डोरेमोन, कर दो ना। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। इमेजिनेशन टेलीफोन बॉक्स। हुर्रे, मेरा सपना सच हो जाएगा, मजा आएगा। तुम्हें पता है हमारे डैड की कंपनी बंद हो गई। अरे वाह, अब हमें ये घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए जाना पड़ेगा। वो गैजेट काम कर रहा है। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से अपना सामान पैक करना होगा। अरे वाह, क्या बात है। क्या इसके परिवार का सारा पैसा सच में खत्म हो गया है? हाँ जियान, ये बिल्कुल सच है। और हाँ, वैसे पता नहीं सुनियो रहेगा कहाँ। बिना पैसों के तो वो किसी होटल में भी नहीं रह सकता ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि सुनियो बिना पैसों के रह पाएगा शिजुका। वो सुनियो बेटा देखो, देर मत करो। हाँ हाँ मम्मा, आ गया मैं। तुम अपने साथ क्या ले जा रहे हो? ये मेरे गेम है और कुछ सीडीज है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें ले जाना बेकार है। अच्छा जल्दी से कार में बैठो। अरे वाह, ये सामान कुछ ज्यादा ही हो गया। सुनिए, मुझे बहुत ही अफसोस है कि ये सब इतनी अचानक हो गया, क्या करूं? देखो ऐसे समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, उदास मत हो। हाँ
हाँ माँ, देखिए मैं तैयार हो गया। ये ड्रेस अदीजिए ना। देखो हमारे पास यहाँ बिजली नहीं है। अगर खाना खाना है तो तुम्हें पहले आग जलानी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल करो, ये डैड ने आग जलाने के लिए बनाया है। अब से आग जलाना तुम्हारा काम है, सुनियो, सही तरीके से करना। चलो मैं शिकार के लिए निकलता हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर आइएगा, हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी। अपना ध्यान रखिएगा। चलो अब तुम आग जलाने की कोशिश करो, मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ। भला इस चीज से कोई आग कैसे जला सकता है, कोशिश करके देखता हूँ। चल जा चल जा चल जा। मैं थक गया। मम्मा क्या हमारे पास लाइटर नहीं है? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, लगता है इन्हें अच्छा लग रहा है। इसके साथ सही हुआ। जला ली है। शाबाश बेटा। ये देखिए, ये लीजिए। लगता है सुनियो को बहुत अच्छा लग रहा है। लग तो रहा है। क्या बात कर रहे हो, इसने तो सिर्फ आग ही जलाई है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। चलो खेलो ना, खेलो ना। चलो अब पिक्चर बनाता हूँ। हजारों साल बाद जब ये किसी को मिलेगी तब ये बहुत महंगी दिखेगी। ये पेंटिंग देख के लोगों को लगेगा जैसे ये पेंटिंग आदि मानव ने बनाई है। मैं भी अपने काम पर चलता हूँ। वापस आइएगा। देखो ये लोग इस तरह के माहौल में भी कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। मुझे इनके पास जाना है। वैसे मन तो मेरा भी है जाने को, क्या कहते हो जियान? ठीक है, अगर तुम सबका मन है तो मैं भी चलूँगा। क्या सुनियो का घर यही है? शायद यही जगह है। वो देखो, वो रही उनकी नेम प्लेट। मेरे नए घर में तुम सबका स्वागत है। चलो चलो अब अंदर आ जाओ, यहाँ पर मैं अपनी बर्थडे की छुट्टी हुई है। मैं फिर से तुम्हें ये दे देता हूँ, पहले तुम्हें अच्छा नहीं लगा था लेकिन अब तुम्हें ये अच्छा लगेगा। सुनियो, मेरे पास एक मनी बॉक्स है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा मनी बॉक्स? क्या तुम इसमें पैसे जमा करोगे? हाँ, इसे सोने की चीनी पहाड़ी लकड़ियों से खास मेरे लिए बनाया है दोस्तों, क्यों है ना खास? क्यों है ना ये कमाल का? शायद तुम्हें इस बार मेरी कुकीज अच्छी लगे सुनियो, ये कुकीज तुम्हें सच में बहुत टेस्टी लगेंगी। कुकीज से याद आया, मैं अभी आता हूँ। पता है ये कुकीज मम्मा ने बनाई हैं, ये ताजे दूध से बनाई गई हैं, इसको खुद मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अरे ये क्या? तुम सब अब क्यों नाराज हो गए? अरे मैंने पार्टी नहीं दी है अभी तक। सुनो वापस आओ दोस्तों, कहाँ जा रहे हो, प्लीज वापस आ जाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत जाओ। हेलो सुनियो। अरे डोरेमोन तुम आ गए, वो सब चले गए और मैं फिर से अकेला रह गया। डोरेमोन सुनियो, क्या तुम ये बात समझे कि तुम अकेले क्यों हो? हाँ डोरेमोन, वो सब छोड़ो और मेरे पास यहाँ पर दोबारा वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे अब समझ में आ चुका है कि मेरी गलती क्या है, प्लीज मुझे माफ कर दो दोस्तों, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सामने ये जो डिब्बे रखे हैं ये खास तुम लोगों के लिए है, प्लीज इन्हें रख लो। हाँ तुम अब भी गुस्सा हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। मुझे माफ करना, मैं गुस्सा हो गई थी। माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, चलो आप डिब्बा खोल कर देखो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें यही सब चाहिए, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए ये सब लाया हूँ। ये सब मेरे डैड की कंपनी में बना है, जाओ रख लो तुम।